चलो तो कोई डाउट है पिछले क्लास से तो पूछ लो। पहले लास्ट क्लास में हम लोग बीबीटी स्टार्ट किए थे, लगभग तो फिनिश कर ही लिए थे। आज जस्ट उसका लिमिटेशन करके और उसको भी क्लोज करेंगे, तो कोई अगर डाउट है तो पूछ लो। और ये क्वेश्चन सब लोग अटेम्प्ट नहीं किया यार, मतलब सही नहीं है फिर तो। एटलीस्ट अटेम्प्ट किया करो, सही गलत तो बाद का बात है, एटलीस्ट अटेम्प्ट लिया करो ठीक है। जो लोग अटेम्प्ट नहीं, केवल दो लोग का मेरे पास सॉल्यूशन आया, एक अतुल भेजा था और एक समर्थ से भेजा था, दो लोग का सॉल्यूशन आया, बाकी कोई तो अटेम्प्ट भी नहीं किया। और होमवर्क नहीं चाहिए तो बोल दो क्लियरली, कोई टेंशन नहीं यार, क्या फर्क पड़ता है हमको। चलो हम भेजेंगे नहीं क्वेश्चन, आराम से पढ़ाते हैं, चलते रहेगा, हम कभी होमवर्क देंगे ही नहीं ठीक है। तो वो भी उसमें भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा कुछ है किसी को, अगर ये होमवर्क से कोई प्रॉब्लम हो तो हमको पर्सनली भी बोल सकते हो कि हाँ भैया हमको उतना अच्छा नहीं लगता है मत बहुत सारा होमवर्क करना, तो होमवर्क दीजिए ज्यादा से जाएगा, तो हम होमवर्क देना बंद कर देंगे ठीक है। चलो ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो लोग अटेम्प्ट नहीं लिए हो वापस एक बार अटेम्प्ट लेना, नहीं अगर समझ में आया, इनकेस हो सकता है, ये भी हम बोल दिए थे, इसलिए हमको लग रहा था कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, ये भी हो सकता है रीजन, तो एक बार वापस जाकर वीडियो देखना, डिस्कस करना हमसे भी, फिर ट्राई करना। क्वेश्चन इजी है, थोड़ा 3D का इमेजिनेशन और कुछ नहीं। चलो ठीक है आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम लोग एक दो मॉलिक्यूल लेंगे और उसे बीबीटी से उसके शेप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है और उस प्रॉब्लम को हम लोग लिमिटेशंस में लिखने वाले हैं, लिमिटेशंस ऑफ बीबीटी। तो एग्जांपल लेते हैं, मान लो अमोनिया के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं बीबीटी से। हमें एक्सप्लेन करना है अमोनिया को, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया लिख सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इसको एक्सप्लेन करना कैसे बनता होगा। तो बीबीटी का पोस्टुलेट्स क्या है, ये बोलता है पहले इसका ये बना लो, स्ट्रक्चर बना लो, सब लोग जानते हो अमोनिया का कुछ ऐसा शेप बनता होगा। इसके शेप का नाम क्या होगा कोई बताओ तो, अगर बीएसईपीआर थ्योरी से। और एक लोन पेयर होगा, किसी को ध्यान है क्या इस शेप को क्या बोलते थे? नहीं, टेट्राहेड्रल तो इसका ज्योमेट्री होता था, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री। शेप सच में इसका क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल शायद। तो ये सब तुम लोगों को भी याद होना चाहिए, हमको याद नहीं पड़ता कोई दिक्कत, पर तुम लोग को भी याद होना चाहिए ठीक है। बता दिया, लिस्ट को वापस से देखा करो, ये ट्राइगोनल पिरामिडल है। अब देखो गौर से, ये तीन बॉन्ड यहाँ बना रहा है, तो अकॉर्डिंग टू बीबीटी ये तीन बॉन्ड कैसे बना होगा, बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग से। और वो भी कैसा एटॉमिक ऑर्बिटल, वैलेंस शेल का हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। तो हम बना के देखते हैं, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करके देखते हैं, 1s2 2s2 2p3 ठीक है। अब देखो 2p3 का अगर वैलेंस सेल इसमें कौन होगा, वाला सेल या दूसरा सेल, दूसरा सेल। तो अपने को 1s2 से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आउटर मोस्ट से मतलब है, सेकंड वाले से, और यहाँ पे भी सेकंड वाले से, आउटर मोस्ट से नाइट्रोजन का। इसका ये बना लो डब्बा वाला जो तुम लोग प्रैक्टिस किए थे जी। इसमें ऐसा कुछ है और इसमें देखो तो तुम्हारा ऐसा कुछ है, 2p3 ऐसा कुछ है। वन टू और ये थ्री ठीक है। तो देखो गौर से, इस नाइट्रोजन के एटम में तीन ऑर्बिटल वैलेंस शेल का हाफ फील्ड है, तो यह तीनों डब्बा 2p3 का डब्बा, चूंकि तीनों का तीनों हाफ फील्ड है और वैलेंस शेल का है, इसलिए बीबीटी के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये तीनों ओवरलैपिंग में जा सकता है, ये तीनों ओवरलैपिंग में जा सकता है। किसके साथ ओवरलैपिंग कर रहा होगा नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन का ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन का देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s1, इसका अभी डब्बा देखो वैलेंस शेल का हाफ फील्ड है, तो ये देखो गौर से, इसका एक एस होगा अपना हाफ फील्ड,
उसी तरह इसका एस होगा अपना हाफ फील्ड इस हाइड्रोजन का, और इसका एस होगा अपना हाफ फील्ड। और नाइट्रोजन के पास तीन पी ऐसा है, यहां देख रहे हो तीन पी ऐसा है जो क्या है हाफ फील्ड बैलेंस का। तो एक पी इसका देखना गौर से, एक पी इसका इसके एस के साथ ओवरलैप करके, कल बताए थे एस और पी का ओवरलैपिंग कैसे होता है, ओवरलैप करेगा अलोंग द एक्सिस और यह बॉन्ड बनाया होगा, या बॉन्ड सिग्मा होगा या पाई होगा, सिग्मा बॉन्ड बोले ही थे। किसी भी बॉन्ड में पहला बॉन्ड सिग्मा ही होता है, ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी बना इसका मतलब उसमें एक सिग्मा और जो बच गया तो वो पाई है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, तो अकेला कभी भी बॉन्ड हो तो वो सिग्मा होता है, उसके बाद जो बचे वो होता है पाई, बताए थे पिछले क्लास में। तो यह सिग्मा बॉन्ड बन रहा हो कैसे, इस हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल का, इस नाइट्रोजन के इन तीन पी में से कोई एक पी ले लो, एक पी के साथ ओवरलैपिंग हुआ होगा, इन दोनों के बीच ओवरलैपिंग हुआ होगा, और एस और पी का कैसे होता है बताया थे डायग्राम पे। उसी तरह एक पी नाइट्रोजन क्या करेगा इस हाइड्रोजन के साथ भेज देगा ओवरलैपिंग में, और यहाँ पे सिग्मा बना लेगा, और एक पी इसके साथ, समझ रहे हो, इसी तरह का एक्सप्लेनेशन आ रहा है। और यह लोन पेयर किस में पड़ा होगा, 2s2 वाला पेयर है, ये 2s2 वाला लोन पेयर है, ठीक है। ये हम लोग इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं जो बीबीटी बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग। अब प्रॉब्लम क्या है सुनो, अब प्रॉब्लम बता दे, ये जो तीन बॉन्ड बन रहा है जो देख रहे हो, यह नाइट्रोजन के पास तीन पी अपना पड़ा हुआ है खाली हाफ फील्ड, सॉरी खाली तो नहीं बोलेंगे हाफ फील्ड, और हर हाइड्रोजन बस अपना अपना एस है, तो नाइट्रोजन के पास जो तीन पी होगा वो कौन सा पी होगा, पी एक्स पी वाई पी जेड, पी जेड PX, PY, PZ mutually क्या होता है, perpendicular, एक X के along, एक Y के along, तो भाई bonding जो बना होगा PX, PY, PZ के according, वो कितने angle पे बनना चाहिए, 90 degree। बट सच में तुम लोग जानते हो NH3 का जो shape होता है triagonal pyramidal, 90 degree bond angle नहीं होता है, मतलब ये गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, मतलब BBT में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, यह सही से ये नहीं बता पा रहा कि ओवरलैपिंग जो हुआ उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल नहीं आ रहा है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि अगर सिंपली पीएक्स अगर किया होगा ओवरलैप एस के साथ तो पीवाई वाई के लॉन्ग आया होगा, पीजेड जेड के लॉन्ग आया होगा, तीनों जो ओवरलैपिंग हुआ होगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए, लेकिन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं देखते हैं एनएस3 का बॉन्ड एंगल तो कुछ शायद 100 कुछ होता है, पता नहीं एग्जैक्ट हमको वैल्यू याद नहीं है, 100 प्लस 160 डिग्री, सही बोल रहे, 107 डिग्री होता है, सही बोल रहे, वाटर का 105 होता है सर, तो यह बॉन्ड एंगल यहाँ जस्टिफाई नहीं कर पाओ, यहाँ पे आ जाता है लिमिटेशंस ऑफ बीबीटी। दूसरा मीथेन का एग्जांपल लो जो मोस्टली बुक में लेके एक्सप्लेन करता है, नेक्स्ट पेज पे यहाँ ध्यान रखना, तीन पी इसके पास था पीएक्स पीवाई पीजेड, वह तीनों का तीनों हाइड्रोजन गैस के साथ ओवरलैप किया, बट हम जानते हैं तीनों भी पीएक्स एक्स के अलोंग होता है, पीवाई वाई के अलोंग होता है, ये जेड के अलोंग होता है, एक्स वाई जेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, 90 पे ओवरलैप हुआ तो फिर बॉन्ड एंगल 107 एक्सपेरिमेंटली कैसे देखने को मिल गया, तो यह एक्सप्लेन यहां से हम लोग नहीं कर पाएंगे। दूसरा नेक्स्ट पेज में फॉर्मेशन ऑफ मीथेन CH4, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, सबको पता है स्ट्रक्चर्स का टेट्राहेड्रल होता है शेप, सॉरी स्ट्रक्चर बोलना नहीं चाहिए, देखिए चुप, ये टेट्राहेड्रल है, और टेट्राहेड्रल और इसमें कोई लोन पेयर नहीं, तो बॉन्ड एंगल भी एग्जैक्ट बताए थे 109.5 डिग्री जब पढ़ाए थे BACPR थ्योरी, तो ये तुम्हें पता है। अब इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं इससे BBT से, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, क्या हुआ होगा देखो, कार्बन जो है एक बार इसके साथ ओवरलैप किया होगा, एक बार इधर ओवरलैप, जो भी बॉन्ड है वो ओवरलैपिंग से बनता है, यही बोलता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो पहली बात, कार्बन चार तरफ से ओवरलैप कर रहा है, इसका मतलब इसके पास चार डब्बा ऐसा होना चाहिए जो वैलेंस शेल में हो और हाफ फील्ड हो, नहीं कर पाएगा, क्योंकि बीबीटी बोलता है कि वही डब्बा वही ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करता है, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है जो बाहरी सेल का हो प्लस हाफ फील्ड हो। यहाँ कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करके देखो,
जो कि पिछले क्लास में से सिद्धांत बोल भी रहा था भाई यार, इसका लिमिटेशन है 2s2 2p2। हमें वनस से नहीं मतलब, क्योंकि बाहरी डब्बे से मतलब है बॉन्डिंग में, तो इसको तो भूल जाओ, इसको तो भूल जाओ, इसका बनाओ 2s2 का बनाओ, 2p2 का बनाओ। तीन डब्बा होगा जिसमें दो डब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा अकॉर्डिंग टू हुंस रूल। चलो देखो कितना डब्बा इसके पास है जो बाहरी सेल में है और हाफ फिल्ड है, केवल और केवल दो डब्बा। तो केवल और केवल दो डब्बा है तो भाई ये मैक्सिमम दो ही बॉन्ड बना पाएगा एज पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फिर ये मीथेन बन कैसे गया, फिर ये मीथेन बन कैसे गया, चार बॉन्ड बना कैसे लिया कार्बन। तो बीबीटी का लिमिटेशन है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, एक्सप्लेन तुम नहीं कर पाओगे किससे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। भाई दो ही है यहाँ पे, ये तो फुलफिल्ड है, ये फुलफिल्ड है, तो भाई बीबीटी बोलता है फुलफिल्ड डब्बा बॉन्डिंग में नहीं जाता है, वो ओवरलैप नहीं कर पाता, सिर्फ ये दो कर पाएगा, ये दो कर पाएगा। भाई चार हाइड्रोजन ये चार तरफ से कैसे बॉन्ड बना कर मीथेन बना दिया, सब लोग को पता है मीथेन एग्जिस्ट करता है, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व भी करते हैं क्या मीथेन का शेप जो होता है वो। फिर ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को ये जस्टिफाई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि मीथेन बना कैसे। अब यहाँ पे देखो क्या है, अब यहाँ पे एक है जुगाड़, अभी इसके पास दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये तो पेयर्ड है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, देखो यहाँ ध्यान देना, इसमें होता क्या है, ऐसा बोला जाता है यह दो इलेक्ट्रॉन जो है पीछे की बार बोले हुए हल्का सा हम एक्साइटेड स्टेट, ध्यान है तुम लोग को क्या, जो तुम लोग अभी तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फेशन लिखते आए हो, जो लिखते हो नॉर्मल, वो तुम्हारा होता है ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये जो लिखे हो। बट यहाँ से चार दो डब्बा तुम्हारा भी हाफ फिल्ड है, अगर चार डब्बा हाफ फिल्ड बनाना है तो उसके लिए एक जुगाड़ बोला जाता है, वो ये बोला जाता है कि ये जो 2s का दो इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कूद करके यहाँ जो खाली डब्बा है उसमें चला जाएगा। वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो 2p में देखो तीसरा डब्बा वैकेंट है, तो 2s का जो दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कूद के चला जाएगा 2p के डब्बे में जो खाली डब्बा है, तो जहां से जाएगा उसको भी अकेले छोड़ देगा और खुद जहां जाएगा वहां भी अकेले हो जाएगा, उसके बाद चार का चार इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएगा। पता नहीं तुम लोग से मत, 2s में जो दो इलेक्ट्रॉन है वो अभी पेयर्ड है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कूद के चला गया 2p के खाली डब्बे में, तो पीछे वाले को भी अकेले छोड़ेगा और खुद तो वहां जाएगा, तो खुद भी अकेला हो जाएगा, तो ओवरऑल तुम्हारे पास उसके बाद चार हो जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये जो कूद के जा रहा है ना, इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, एनर्जी लेके जा रहा हो, इसको एनर्जी चाहिए तब ये जंप कर पाएगा 2s से 2p में। और यह एनर्जी आएगा कहां से, यह एनर्जी आएगा कहां से, अरे यार प्रोग्राम ये हो गया, अब ये एनर्जी आएगा कहां से देखो, यहां से एक इलेक्ट्रॉन कूद के यहां आ जाएगा एनर्जी लेके। अब ये बताएंगे एनर्जी आएगा कहां से, ये जो कूद के जा रहा है ना, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन कैसा हो जाएगा देखना, 1s में तो कुछ नहीं हुआ, 2s में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो गया और वो कूद के चला गया किसमें, 2p में, 2p3 हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको बोलते हैं एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, इसका नाम दिया जाता है, जस्ट लिख लो यहाँ पे, ग्राउंड के जगह एक्साइटेड कर दो जी। तो एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी थोड़ा ज्यादा होता है, और इसीलिए एनर्जी ज्यादा होता है तो स्टेबिलिटी क्या होगा, कम। एक्साइटेड स्टेट जो देख रहे हो यह बहुत कम देर के लिए बनता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता नहीं है, वह वापस से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। एक्साइटेड स्टेट जाकर देखना बुक में, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। अब देखो, अब इसका बना के अगर देखो डब्बा वाला फॉर्म, तो तुम्हें दिखेगा चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कार्बन में, एक तो ये और इसमें ये तीन।
और अब तुम यहाँ से बोल सकते हो कि हाँ भाई यहाँ से चार तरह का बॉन्ड, चार बॉन्ड बना सकता है कार्बन। तो यहाँ से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था कि चार बॉन्ड कैसे बनाएगा, बट एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग ये बोल पा रहे हैं कि अब कार्बन में चार डब्बा ऐसा है जो चारों का चारों वैलेंस शेल का प्लस खाली भी हाफ फील्ड है, तो ये चारों बॉन्डिंग में जा सकता है और ये बॉन्ड बनाएगा और मीथेन बन जाएगा। तो अब क्या होगा देखना, एस का एक डब्बा खाली है कार्बन के पास और पी का तीन डब्बा खाली है, चार डब्बा टोटल खाली है। किसी एक डब्बे को ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के, जान हाइड्रोजन में कितना होता है 1s, इसके 1s वाले डब्बे से ओवरलैप करेगा। तो इसके पास तुम्हारे पास क्या है, इसके पास एक एस है, देखो एक एस वाला डब्बा हाफ फील्ड है और पी का तीन डब्बा हाफ फील्ड है। ये क्या करेगा, इसके पास एक एस है प्लस तीन पी है जो हाफ फील्ड है। इन चारों को ये एक एक करके चार डायरेक्शन लगाएगा, एक एस को भेज देगा इस हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग के लिए, बच गया तीन पी, एक पी को भेज देगा इस हाइड्रोजन के साथ, एक पी को भेज देगा इसके साथ, एक पी को भेज देगा इसके साथ, और ये चार बॉन्ड बना के मीथेन बनाएगा। ठीक है, अब आता है यहाँ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में लिखा, हम बोल दें यहाँ पे जस्ट, ये जो एक ग्राउंड से एक्साइटेड में जा रहा है ना, इसके लिए इसको एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन कूद कैसे नहीं चला जाएगा, एनर्जी चाहिए। यह एनर्जी आता कहाँ से, उसका एक्सप्लेनेशन क्या एनसीईआरटी में, तो वो हम बोल देते हैं, बुक पढ़ना जाकर खुद से भी यही चीज लिखा हुआ तुमको मिलेगा। लिखा हुआ ये है कि जब दोनों बॉन्ड बनाएगा ओवरलैपिंग होगा, ओवरलैपिंग होता है तो जब भी दो चीज ओवरलैप करेगा तो वह स्टेबल होगा, और स्टेबल होगा तो उस केस में एनर्जी रिलीज होता है, जो एनर्जी रिलीज होगा वही यूज हो जाएगा इसको इलेक्ट्रॉन को जंप कराने। अब आता है क्वेश्चन कि पहले बॉन्ड बना है कि पहले एक्साइट हुआ है, समझ रहे हो, दोनों चीज साइमल्टेनियसली हो रहा होगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक, वो ये भी तो पूछ सकता है कि पहले ये दो ही अनपेयर्ड है, पहले चार हुआ उसके बाद बॉन्ड बनाया, कि पहले बॉन्ड ओवरलैप हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रहा है और फिर एनर्जी लेके जा भी रहा है, जंप भी हो रहा है, दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है। मतलब यह एनर्जी आ कहां से रहा है, जब भी एटम ओवरलैप होता है वहां पे एनर्जी रिलीज होता है, वही एनर्जी यूज करके 2s का इलेक्ट्रॉन कूद के 2p में चला जाता है। पढ़ना एग्जैक्टली यही चीज लिखा हुआ एनसीईआरटी में, यही चीज लिखा हुआ है, एनर्जी आता कहां से, तो जब भी ओवरलैप होगा एनर्जी रिलीज होगा, वही एनर्जी जो रिलीज हुआ वही एनर्जी यूज कर लेगा 2s वाला इलेक्ट्रॉन और वो कूद के 2p में चला जाएगा। ठीक है, तो जस्ट डिस्कशन है, मतलब कि बीबीटी को हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, बीबीटी की हेल्प से मॉलिक्यूल वगैरह कैसे बन रहा है। ठीक है, तो ये सब कहानी हो गया, दो मॉलिक्यूल बता दिए, किसी और मॉलिक्यूल में तुम अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर तुमको दिखे कि कोवैलेंसी जितना है उतना अनपेयर्ड नहीं है तो कुछ ऐसा ही हो रहा होगा, जंपिंग वाला हो रहा होगा, एक्साइटेड स्टेट वाला केस हो रहा होगा। ठीक है, तो अब डालो कॉपी में हेडिंग लिमिटेशंस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये जस्ट हम लोग एग्जांपल कर लिए हैं, पिछले क्लास में नहीं किए थे। लास्ट है तुम्हारा लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हालांकि बुक में दिया हुआ नहीं ऐसा हेडिंग डाल करके कुछ एनसीईआरटी वाला में, लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करके, बट हम लोग उसी सीक्वेंस से पिछला थ्योरी भी के देश इसी सीक्वेंस में सभी कर रहे हैं। लिमिटेशंस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में लिखो सबसे पहला, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। ठीक है, बस एक ही रखो, बहुत ज्यादा बोलने को है नहीं, कुछ और बोलना चाहे तो बोला जा सकता है कॉम्प्लेक्स वगैरह लेकर के, बट हम वो लेना अभी नहीं चाहेंगे, बस सिंपली ये रख सकते हो। ठीक है, कोवैलेंसी चार्ज इसका कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये ध्यान रखना, ये एक्साइटेड स्टेट का जो मामला है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कहा हुआ नहीं है, ये ध्यान रखना, जस्ट जस्टिफाई कर हम बोल रहे हैं ऐसा कुछ हो रहा होगा चार वैलेंसी कोवैलेंसी होने के लिए। ठीक है, तो तुम इसे बीबीटी से नहीं बता सकते कि चार बॉन्ड कैसे बना रहा है कार्बन। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे, अब अगला जो टॉपिक बुक में देखोगे क्या है, किसी को पता है तो बोलो, इसके जस्ट बाद मतलब ये टॉपिक ऐसा है ना कि मतलब इवन तुम अगर बीएससी वगैरह केमिस्ट्री करते हो तो उसमें भी क्वेश्चन फिक्स ही रहता है, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन निकालने वगैरह क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये हाइब्रिडाइजेशन, और वहां जाना क्यों पड़ रहा है वो तुम्हें बताते हैं, यहाँ सब चेन बना के बता रहे क्यों जाना पड़ रहा है। हम लोग बीबीटी कर दिए क्लोज,
अब आता है हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट क्यों लाना पड़ा केमिस्ट्री में या केमिकल बॉन्डिंग में बोले क्यों लाना पड़ा। तो देखो हुआ क्या, इसी मीथेन से स्टार्ट करते हैं, मीथेन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहां ध्यान दो, मीथेन में कार्बन के पास एक एस है और तीन पी है, कार्बन के पास एक एस है और ये तीन पी है, और सारे हाइड्रोजन के पास क्या क्या है, वन एस वन एस वन एस वन एस, चारों हाइड्रोजन के पास वन एस वन एस है। नए पेज में जाते हैं हम, ये तुम्हारा कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये समझना हाइब्रिडाइजेशन क्यों लाना पड़ा वो बता रहे हैं। सारे हाइड्रोजन के पास 1s1 1s1 है, जाए तो कुछ करना और हाइड्रोजन के एक्साइटेड स्टेट में अगर तुम देखो तो तुम्हारे पास आ रहा है 2s1 2p3, सिर्फ हम वैलेंस शेल का लिख रहे हैं कार्बन का, कार्बन का वैलेंस शेल का एक्साइटेड स्टेट है। अब ध्यान दो होगा क्या, ये 2s जो देख रहे हो ना, मान लो यह 2s, ठीक है यह 2s, इसके पास 2s है और तीन 2p का भी डब्बा, 2s 2px 2py 2pz, यहां लिख देते हैं जस्ट 2s जो बॉन्डिंग में जा सकता है ओवरलैप के लिए, 2px 2py, तीन 2p है जस्ट, नाम दे रहे हो जो 2px 2py 2pz तुम जानते हो, अब यहां ध्यान दो, यह हाइड्रोजन के पास 1s है, इस कार्बन के कौन से डब्बे के साथ ओवरलैप करके करके सिग्मा बनाया होगा ये वाला बॉन्ड, किसी एक के साथ, तुम जानते हो S और P भी मिलके सिग्मा बनाता है, पता है ना पिछले क्लास में बोले थे S और S भी मिलता है तो सिग्मा ही बनता है, S और P भी मिलता है तो सिग्मा ही बनता है, तो मान लो यह 2s वाला जो है और ऑर्बिटल ये इस 1s के साथ ओवरलैप किया, यानी ये वाला बॉन्ड किससे बना, 2s कार्बन का 2s 1 इसके 1s 1 के साथ हाफ फील्ड है दोनों ओवरलैप किया होगा तो ये वाला बॉन्ड बना होगा 2s 1s ओवरलैपिंग से बना होगा, ये वाला किससे बना होगा, तो कार्बन अपना 2px भेज दिया होगा, मान लो 2px भेजा होगा और इसका क्या है 1s, ये वाला बॉन्ड किससे बना होगा, कार्बन का 2s 2p 2s तो चला गया कार्बन का ऊपर वाले बॉन्ड में, 2px जो है मतलब चार को चार डायरेक्शन में बांट रहे हैं, कार्बन का जो चार डब्बा खाली है वो चारों तरफ जा रहा है एक एक करके, 2px जा गया होगा और ये 1s के साथ ये बॉन्ड बनाया होगा ओवरलैप करके, तुम लोग समझ पा रहे हो हम क्या बोल रहे हैं, पिछले क्लास का ही चीज है, ये वाले में कार्बन अपना क्या भेज दिया होगा 2p y और हाइड्रोजन का तो 1s ही है तो उसका तो कुछ है ही नहीं, और ये वाले में कार्बन अपना भेज दिया होगा 2pz 2pz और हाइड्रोजन का 1s आपस में ओवरलैप किया होगा और सिग्मा बॉन्ड बना होगा, डायग्राम हम लोग ओवरलैपिंग का पिछले क्लास में कर चुके हैं इसलिए जस्ट अभी हम बोल रहे हैं। तो अब ध्यान दो क्या चारों बॉन्ड का ओवरलैपिंग, देखो ऊपर वाला बॉन्ड 2s 1s यानी SS के बीच बन रहा है SS ओवरलैपिंग से, बाकी तीन बॉन्ड अगर देखो तो उसमें एक S है और एक ओवरलैपिंग का नेचर डिफरेंट है, चारों बॉन्ड में ओवरलैपिंग का नेचर डिफरेंट है, तो अगर ओवरलैपिंग का नेचर डिफरेंट है तो ऐसा लग रहा है कि चारों बॉन्ड का प्रॉपर्टी डिफरेंट होना चाहिए, कार्बन के चारों बॉन्ड का प्रॉपर्टी सेम का सेम नहीं हो सकता, क्योंकि ये बन रहा है SS के ओवरलैपिंग से और SS का ओवरलैपिंग कैसा होगा, यह एक S दूसरे S के ओवरलैपिंग से बनेगा ऐसा कुछ, और बाकी सब बॉन्ड जो बन रहा है S और P के ओवरलैपिंग से बन रहा है, मतलब ऐसा कुछ डायग्राम बना चुके बट जस्ट देखो, ये तुम्हारा P हो जाएगा कार्बन का और इसपे S आ जाएगा किसका, हाइड्रोजन का, तो दोनों का ओवरलैपिंग डिफरेंट है, अलग अलग बॉन्ड में ओवरलैपिंग चूंकि अलग अलग तरह का है तो बॉन्ड का प्रॉपर्टी डिफरेंट होना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली
चारों का चारों बॉन्ड हर प्रॉपर्टी में सेम होता है मीथेन में। बॉन्ड एनर्जी का बात करो या बॉन्ड लेंथ का बात करो या बॉन्ड एंगल का बात करो, हर तरह से सेम ऑब्जर्व किया जाता है। फिर प्रॉब्लम आ गया बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। इसी पावर लैपिंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे तो या एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि कार्बन का चारों बॉन्ड आइडेंटिकल होता है। पीपीटी के अकॉर्डिंग चारों बॉन्ड में डिफरेंस होना चाहिए। जैसे ये वाला बॉन्ड देखो तो कोई बोलेगा यह बॉन्ड में चूंकि पी आ रहा है तो पी थोड़ा लेंथ बढ़ा देगा, क्योंकि पी कैसा होता है, इलॉन्गेटेड टाइप का होता है, लोब होता है उसमें। बट ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंटली दिखाई नहीं जाता। एक्सपेरिमेंटली मीथेन का चारों बॉन्ड सेम होता है हर प्रॉपर्टी में, आइडेंटिकल बोलते हैं, चारों का चारों बॉन्ड मीथेन में आइडेंटिकल होता है। तो बीपीटी से तो ऐसा नहीं हो पा रहा, एक बॉन्ड में एसएस ओवरलैप कर रहा है, बाकी बॉन्ड में एसपी ओवरलैप कर रहा है, तो बिल्कुल ऑब्वियस ही बात, ओवरलैपिंग का नेचर डिफरेंट है तो बॉन्ड डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो यही लिमिट, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए आया कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हेडिंग डाल दो कॉपी में, कॉन्सेप्ट ऑफ, नोट कर सकते हो कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, लेकर ये नोट कर सकते हो क्यों लाना पड़ा पहले, उसके बाद देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या है नहीं। हेडिंग डाल दो कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और ये बना लो ठीक है, और हम लोग थोड़ा सा इसी को कहानी को लिखेंगे दो चार लाइन में जो हम बोले हैं। मीटिंग एंड होने वाला है क्या? ये बना लो और वो जो हम लोग चार पांच लाइन है वो हम बोल देंगे, तुम लोग बना लियो तो नीचे। लिखो नीचे, लिखो इसमें, लिखो नीचे, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वन बॉन्ड ऑफ मीथेन या इन मीथेन is formed by SS overlapping, ऊपर वाला bond SS overlapping से बना है, formed by SS overlapping while the remaining three bonds are formed by SP overlapping. SP overlapping. Full stop. Since the shape of S and P orbitals are different, since the shape of S and P orbitals are different, so The bond formed by SS overlapping must differ from the bond formed by SP overlapping. So the bond formed by SS overlapping must
differ from the bond formed by sp overlapping. ये लिख करके और पैराग्राफ चेंज करके लिख लो. एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट all the four bonds of methane are identical इन ऑल एस्पेक्ट्स. सारे डायरेक्ट किसी भी तरह सोचो तो चारों बॉन्ड का प्रॉपर्टीज में सेम मिलेगा. एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट ऑल द फोर बॉन्ड्स ऑफ मीथेन आर आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स. किसी भी तरह से सोचो तो वो सेम प्रॉपर्टी देता है, लेंथ में, एनर्जी में, एंगल में, सारे तरह से सेम होता है. Which cannot be explained using valence bond theory. नीचे लिख लो. Hence, to explain this abnormal yes, anomalous word भी शायद chemistry की book में use करता है, abnormal भी use कर सकते. Hence, to explain this abnormal behavior. A new concept was introduced. जो ही तुम्हारा वही क्या कहलाता है, concept of hybridization. Hence, a new concept was introduced, which is known as hybridization. तो स्टार्टिंग बोलते केमिस्ट्री ऐसे ही चलता है, कुछ कहानी गढ़ो, एक्सपेरिमेंट में देखो गड़बड़ हुआ, फिर कहानी को चेंज कर लो. तो वही अब हो गया, बेबी टी कहानी गढ़े थे, थोड़ा सा एक्सप्लेन हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ एक्सपेरिमेंट में, फिर अब दूसरा कहानी गढ़ने वाले हैं जो हाइब्रिडाइजेशन है. तो अब देखो, अब जस्ट हम इंट्रोड्यूस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन को और कल क्लोज करेंगे हाइब्रिडाइजेशन को. ठीक है, देखो अब इसको कैसे ये जस्टिफाई किया जा रहा है कि चारों का चारों बॉन्ड सेम होगा. तो सबसे पहला बात इसमें लिख लो, हाइब्रिडाइजेशन जो है हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है. लिख लो, इट इज ए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट. नीचे अगर लिख लो, हाइब्रिडाइजेशन का सबसे पहला बात एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है. रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है, खुद का बनाया वो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है. जस्ट हाइपोथेटिकल मतलब ऊपर तुम समझते होगे, जो चीज इमेजिनरी हो जस्ट बोल दिया गया अपने मन से. ठीक है, सच में कोई को देखा नहीं है जाकर के ऐसा कुछ होता होगा, पहले बताते हैं बोलता क्या. अब लिखना नहीं है तुम लोग, आज सिर्फ सुनो दो चार मिनट हाइब्रिडाइजेशन क्या है और फिर कल हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे. देखो, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, मीथेन का चारों बॉन्ड का प्रॉपर्टी सेम होगा. इसको अब एक्सप्लेन करने के लिए कैसे कहानी गढ़ा गया वो देखो. हम लोग अब सिर्फ देखो गौर से, सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल रिलेटेड सोच रहे हैं तो हमको क्या दिख रहा है, एक बॉन्ड एसएस से बना है, बाकी तीन एसपी से बना है, ओवरलैपिंग डिफरेंट है तो प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होना चाहिए बीबीटी से. लेकिन एक्सपेरिमेंटली सब बॉन्ड का प्रॉपर्टी सेम होता है, मीथेन में चारों बॉन्ड सेम होता है, आइडेंटिकल होता है. तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया. वो क्या लाया गया सुनना, ये जो लिखे थे ना अभी हम लोग 2s1 2p3, एक्साइटेड स्टेट किसका, कार्बन का, इसमें चार बॉन्ड बन रहा है.
इस कॉन्सेप्ट में, इसको कॉन्सेप्ट क्या हम बोले, मतलब हाइपोथेटिकली तो कॉन्सेप्ट बोले ही नहीं, बट ठीक है लिखा रहता है बुक्स में कॉन्सेप्ट ऑफ एविडेंस, तो ठीक है। या एस और ये पी क्या होता है देखना गौर से। जैसे सेंट्रल एटम के पास 2s का एक डब्बा है खाली वैलेंस शेल में और 2p का तीन डब्बा खाली है, या चारों डब्बा आपस में मिलता है, ऐसा बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन में कि वैलेंस ऑर्बिटल जो है तुम्हारा सेंट्रल एटम का वो आपस में मिलता है, तो कितना s मिला, एक s और कितना p, तीन p, तो एक s और तीन p मिला, कितना डब्बा मिला, चार डब्बा, चार एक एस और तीन पी डब्बा मिला कार्बन का सेंट्रल एटम का, और यह मिल करके चार नया डब्बा बनाता है ऐसा बोला जाता है। एक एस और तीन पी मिल करके चार नया डब्बा बनाता है, फोर न्यू, यानी थोड़ा समझो, मतलब एक एस और तीन पी आपस में हाइब्रिड, इन चारों का समझो, एक एस और एक तीन पी का आपस में हाइब्रिडाइजेशन हुआ, कंबाइन हुआ आपस में तीनों चारों, और वो एक फोर न्यू ऑर्बिटल बनाया। बट वो जो ऑर्बिटल होगा उसको सिंपल ऑर्बिटल नहीं बोलना है, उसको बोला हाइब्रिड ऑर्बिटल बोला जाता है, फोर न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल, फोर न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। मतलब देखो क्या हुआ, आपस इसको हम बोलेंगे और लिख लेते थोड़ा सा, अब ये जो चार न्यू हाइब्रिड बना ना, ये चारों का चारों नया डब्बा आइडेंटिकल होता है ऐसा बोला जाता है, बिल्कुल सेम चार डब्बा बने, मतलब एक एस और एक तीन पी मिला, पहले तुम्हारे पास एक एस था और तीन पी था, तो एस और पी आपस में अलग था, अब ये चारों जो मिला ना, ये चारों मिल करके चार नया डब्बा बनाता है जो चारों का चारों आइडेंटिकल होता है। अब तुम्हारे पास एस और पी का कोई गेम ही नहीं रहा, ये डिफरेंट होगा, कहानी कट रहे, तो यही कुछ कहा गया, देखा गया कि भाई एसपी के टर्म से बोल रहे हैं तो एसएस ओवरलैपिंग हो रहा है, एसपी ओवरलैपिंग नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो कुछ नया कहानी गढ़ो, तो ऐसा बोला गया कि एस और इसका तीन पी आपस में मिलता होगा और मिल करके चार नया डब्बा बनाता होगा, आपस में हाइब्रिडाइज करके चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता होगा, वह चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है ना वो आइडेंटिकल होता है हर तरह से, एनर्जी हो शेप हो हर सेंस में वो आइडेंटिकल होता है, ये चार नया डब्बा। तो यानी अब कार्बन के पास एक एस और एक तीन पी नहीं है, एक एस और एक तीन पी नहीं है, अब इसके पास एक चार नया डब्बा है, चार नया हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो एस और पी वाला नहीं है, कुछ और है जो चारों का चारों आइडेंटिकल है। जब चारों आइडेंटिकल है भाई, तो अब इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, चारों सेमी चीज तो जा रहा है, चारों सेमी चीज जा रहा है तो फिर सेमी तरह का बॉन्ड बनेगा, प्रॉपर्टी सेम होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग अच्छे से लिखने वाले हैं मीथेन वाले चीज का हाइब्रिडाइजेशन से, और फिर इस हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, क्या नाम देते हैं, जैसे यहाँ पे इसका नाम sp3 होगा, वो इजी है, नाम देना इजी है, बट समझो मतलब क्या है पहले ये समझो। तो जैसा पहले ही बोले थे, ये कहानी गढ़ा हुआ चीज है, पर हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकली ऐसा बोला गया होता होगा और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जस्टिफाई कर पा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, हाँ ऐसा कुछ होता होगा, कोई जाके देखा नहीं है, ठीक है, कोई जाके देखा नहीं है, जस्ट मन में ऐसा बोल दिया गया, जो साइंटिस्ट बोला हो देख लेना किसके नाम से आया था, वैसे कितना